बेटे रघुवीर सिंह, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है बेटे। पिताजी ऐसा न कहिए पिताजी। हाँ बेटे, मेरे बाद इन दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखना। अपने भाई तुर्जन का इन बच्चों पर साया मत पड़ने देना। मैंने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। ये लो मान सिंह, इसे पढ़कर सुना दो। मैं ठाकुर सुरजीत सिंह वल्द ठाकुर जसबीर सिंह अपने होशो हवास कायम रखते हुए ये वसीयत करता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी सारी जायदाद और तहखाने में छुपे हुए करोड़ों के खजाने का मालिक सिर्फ मेरा बड़ा लड़का ठाकुर रघुवीर सिंह होगा। मेरा छोटा बेटा दुर्जन, जिसे अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म सी आती है, और जो जादू टोना और काले इल्म की खोज में अपने आप को भी खो बैठा है, मैं उसे अपनी हर जायदाद से बेदखल करता हूँ। तुम मुझे क्या बेदखल करोगे बुड्ढे? मौत खुद तुम्हें दुनिया से बेदखल कर रही है। जलील, कमीने, बेहया, तुम्हारी ये हिम्मत, निकल जाए यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन याद रख रघुवीर, मैं तुझे अकेले ये सारी जायदाद हड़पने नहीं दूंगा। और मरने से पहले तू भी सुन ले बुड्ढे, कि जिस जादू टोना और काले इल्म से डर कर तू मुझे सारी जायदाद से लग कर रहा है, उसी जादू टोना और काले इल्म के जोर पर मैं तेरी सारी जायदाद का अकेला मालिक बनूंगा। कमबख्त, कमजोर, निकल जा यहां से, मैं कहता हूं निकल जा यहां से। पिताजी, पिताजी। की गोद में सोने के बाद भी ये जिस्म आज तक जाग रहा है। सरदार, किसकी है ये लाश? ये लाश नहीं, बदी के मिट्टी से बने हुए उस शैतान देवता का जिस्म है। वक्त ने जिससे रूह तो छीन ली, लेकिन जिस्म नहीं छीन सका। किसी के पाक बदन से टपके हुए खून की बलि इसे फिर से नई जिंदगी दे सकती है। वो बलि मैं इसे दूंगा, ठाकुर रघुवीर सिंह के दोनों बच्चों के खून की बलि। वह रामजादा दुर्जन, उसने और उसके आदमियों ने हम लोगों पर हमला किया।
और मालिक को छल्ली छल्ली कर दिया और उनकी दोनों बेटियों को उठाकर ले गया। क्या मंगल, इन्हें फौरन अंदर ले चलो। नहीं दोस्त, अब कोई फायदा नहीं, मेरे जाने का वक्त आ गया है। रघुवीर मेरे दोस्त, रघुवीर मान सिंह, रघुवीर मान सिंह वो शैतान दुर्जन मेरी दोनों बच्चियों को उठाकर ले गया है, वो उनकी बलि चढ़ा रहा है। बलि चढ़ा रहा है, लेकिन क्यों? वो हरामजादा काली गुफा में छिपे बेशुमार खजाने को हड़पना चाहता है और उस खजाने का नक्शा चाहता है। वो खजाना हमारे पुरखों का है मान सिंह। क्या है ये? ये है उस खजाने का नक्शा, लेकिन आधा बाकी का आधा मेरी बड़ी लड़की के गले में है। मान सिंह, रघुवीर मान सिंह, रघुवीर मान, रघुवीर मालिक, मुझे सदा बहार जवानी और लंबी उम्र अता फरमा। मैं इन कमसिन बच्चों की भेंट तेरे कदमों में चाहता हूं ताकि इनकी बाकी उम्र मुझे हासिल हो, जिंदगी मेरे कदम चूमे और मौत मेरे साए से भी दूर रहे। मंगल तुम बच्चों को तलाश करो, बांध दो इस कुत्ते को संजीरों में और ले चलो इसे काली गुफा के तहखाने में। Thank you.
मंगल मंगल मंगल, दूसरी बच्ची कहाँ है? मैं छोटी को ही बचा सका मान सिंह, लेकिन बड़ी बेटी जंगल में कहीं खो गई। मैं उसे नहीं ढूंढ सका, उसे नहीं ढूंढ सका। तो यही है तेरा वो शैतान देवता जिसको तू जिंदगी भर पूछता रहा, और इस नापाक लाश पर न जाने कितने मासूम इंसानों की बलि चढ़ा चुका। ये नापाक लाश नहीं, अंधेरों का सम्राट है मान सिंह। ये वो गैबी ताकत है जिसे आज से हजारों साल पहले तुम्हारे जैसे कई ठाकुरों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन पति की मिट्टी का बना हुआ ये देवता कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो फिर इन्हीं अंधेरों में बैठकर तुम इसकी पूजा करते रहो। तहखाने की गहराइयों में तू सूरज की एक एक किरण को तरस जाएगा, तेरा जिस्म बाहर की ताजा हवा के झोंकों से महरूम रहेगा, भूख और प्यास से घुट घुट कर यही तेरी मौत होगी। मेरी मौत मेरे इस देवता की जिंदगी होगी मान सिंह, लेकिन याद रख, जो खजाना मैं नहीं हासिल कर सका उसे दूसरा कोई नहीं पा सकेगा, नहीं पा सकेगा। ले जाओ इसे, चलो मान सिंह। एक बात याद रखना मान सिंह, खजाने की तलाश में जो भी इस तहखाने में कदम रखेगा मेरा देवता उसके लिए मौत का पैगाम बन जाएगा। मान सिंह जनाब देवानंद साहब, कुछ खाने पीने का ऑर्डर दिया है कि नहीं, या यूं ही घोड़े बेचकर सो रहे हैं आप? आरती डार्लिंग, ये क्या किया तूने? एक बेहतरीन सपना देख रहा था, जगा दिया तूने। लंबू जी, सपने रात में देखे जाते हैं, दिन में नहीं। तो फिर दिन में क्या देखते हैं? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, ना जगह देखते हो ना वक्त, तुम्हें तो एक ही धुन सवार होती है। डार्लिंग, ये सारी दुनिया इसी धुन पर तो नाच रही है। हाँ, लेकिन मेरे पेट में जो चूहे नाच रहे हैं, कुछ खाने का ऑर्डर दो भी। ओके, देते हैं। वेटर आया। आपने मुझे पुकारा। हाँ, खाने के लिए क्या है? आप खाने में मटन करी, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन रोल, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, बादाम मसाला, गुड़ा, कपूरा, कलेजी, कड़क रोटी, गरम पराठा, लंबा पाव और ठंडा पानी। आप पहले किसी ईरानी होटल में तो काम नहीं करते थे? आपने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। सबसे पहले मैं ईरानी होटल में लोगों को खाना खिलाता था, उसके बाद मैंने हीरो बनने की ट्राई की लेकिन जीरो बन गया। अब इस होटल का वेटर हूँ। बोलिए, खाने में क्या खाएंगी? ऑर्डर लिखो। फरमाइए। दो बॉइल्ड एग्स। लिख लिया। क्या लिखा? दो बॉइल्ड लेग्स। ओह माय गॉड, क्या आदमी है ये! लेग्स नहीं यार, एग्स, अंडे, दो अंडे। हाँ सुनो, और एक प्लेट गर्मा गर्म पतले पतले चिप्स। पतले पतले लिप्स।
अरे बाबा लिप्स नहीं, चिप्स, चिप्स आलू के चिप्स, बटाटा। मच्छी है? बहुत अच्छी है, very sexy. You get out of your bloody fool. Stupid idiot. You बेखूफ. Fool. उल्लू के पट्टे. खो चुके इनके. You चर्सी. खर्की. You get out, please. ठीक है, अगर मैंने तुम दोनों को रेप केस में नहीं बंद करवाया तो मेरा नाम भी राज किशोर नहीं, समझे? अरे विजय, तुम्हारा दोस्त आ रहा है आनंद। विजय, विजय, यार तुम दोनों यहाँ पे घूम रहे हो, मैं काफी देर से तुम दोनों की तलाश कर रहा था। पर हुआ क्या? यार एक बहुत बुरी खबर है, तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। ओह नो। क्या? हाँ, आओ मेरे साथ। जल्दी आओ। डैडी, अब कैसी तबीयत है? फिर वही दिल का दौरा पड़ा है बेटे, और इस बार ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें मरने से पहले इस बात का अफसोस रहेगा कि हम तुम्हारे पिता ठाकुर रघुवीर सिंह को दिया हुआ वचन नहीं पूरा कर सके। नहीं चाचा जी। हाँ बेटी, हमने तुम्हारी बहन सपना की बहुत तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। बेटी इसे पहन लो। हाँ बेटी, ये तुम्हारी अमानत है। इस लॉकेट का दूसरा हिस्सा तुम्हारी बहन सपना के गले में है। चाचा जी, अब वक्त बहुत कम है बेटे, तुम जल्दी से हमारे भतीजे शाकाल को बंबई में तार कर दो। चाचा, शाकाल, शाकाल, अच्छा हुआ शाकाल तुम भी आ गए। चाचा, मुझे जैसे ही आपका तार मिला मैं फौरन चल पड़ा। आप फिक्र मत कीजिए चाचा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। मौत के सामने एक ना एक दिन जिंदगी को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। मरते वक्त लोग अपने बच्चों के लिए धन दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़े जा रहा हूं। मुझे यकीन है विजय बेटा, तुम मेरे इस अधूरे काम को जरूर पूरा करोगे। आनंद, आनंद जी। अंकल। शाकर। चाचा, विजय, विजय बेटे की पूरी मदद करना। आनंद, शाकर। हाँ अंकल। विजय, चाचा जी। Thank you.
तेरे इस खादिम का वक्त पूरा हो गया। जिस्म आज मैं खत्म कर रहा हूं। लॉकेट देख रहे हो? इसे मरने से पहले डैडी ने हमें दिया था। इस पर एक नक्शा बना हुआ है जो गंगापुर के हवेली के तहखाने के अंदर जाने का रास्ता बताता है। उस तहखाने में आरती के पिता रघुवीर सिंह का करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने का यह अधूरा नक्शा है। इस नक्शे का दूसरा हिस्सा इसी तरह एक लॉकेट में महफूज है और वो लॉकेट आरती की बहन सपना के गले में है। सपना को मैं तलाश करूंगा और इस नेक काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आप लोग इस कहानी को सच समझ बैठे? देखो विजय, वो तहखाना, खजाना, हवेली, लॉकेट, ये सब कहानियां हैं जो लोग बच्चों को खुश करने के लिए सुनाते हैं। जिस लॉकेट और खजाने को ढूंढने के लिए तुम्हारे पिताजी ने 20 साल निकाल दिए, तुम उसे कैसे ढूंढ लोगे? नामुमकिन। ढूंढूंगा, मैं जरूर ढूंढूंगा। अच्छा विजय, मैं चलता हूं यार। ओके, मेरा बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी है। बाय आनंद, बाय आरती, बाय बाय। हाँ? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अपनी बहन सपना के बारे में सोच रही हूँ। विजय, डैडी के मर जाने के बाद मुझे तो तुम्हारे पिताजी ने संभाला था। न जाने मेरी बहन सपना ने कैसे कैसे ठोकरें खाई होंगी। पता नहीं इस वक्त वो कैसे होगी, कहाँ होगी।
वेलकम। यस प्लीज, मुझे होटल के मालिक से मिलना है। किस सिलसिले में? मुझे नौकरी चाहिए। सॉरी सिस्टर, उनसे मिलना बेकार है, यहाँ कोई जगह खाली नहीं। आप पूछ के तो देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज। अच्छा, मैं पूछती हूँ। सर, एक लड़की आपसे नौकरी के लिए मिलना चाहती है। मिस मोना, तुम अच्छी तरह ये जानती हो कि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं। यस सर। हाँ, ठहरो, भेज दो। अच्छा। शाकाल साहब, आपको लड़कियां देखने का बहुत शौक है। न जाने कितनी परेशान होगी बेचारी। आप मालिक हैं? तशरीफ रखिए। पहले कहीं काम किया है आपने? जी नहीं। क्या काम कर सकती हैं आप? कुछ भी। कुछ भी? जी, मेरा मतलब है मैं कोई भी काम कर लूंगी। गुड। डांस कर सकती हैं आप? कॉलेज के स्टेज पे किया करती थी। जॉन। यस मिस्टर शकाल। ये बेचारी तकलीफ में है, हमें इनकी तकलीफ दूर करना चाहिए। थैंक यू। यस, कम इन। सपना, ये लो, मेरे पास सिर्फ इतने ही रुपए हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। लेकिन 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 कुछ नहीं, ले लो। ठीक है, फिर आपको मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? ये लॉकेट रख लीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे ले जाऊंगी। बड़ा प्यारा है, कहां से खरीदा? बचपन में डैडी ने दिया था। पगली, और तुम इसे गिरवी रख रही हो? ये तुम्हारे डैडी की अमानत है, इसे अपने पास ही रखो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आरती, तुम्हारी बहन सपना का पता चल गया है। मैंने कहा था ना कि मैं उसे एक दिन जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये देखो उसकी तस्वीर, मिड डे में देखो। सपना, ये सपना की तस्वीर है, मेरी बहन की तस्वीर है। अरे भाई, इसके गले में पड़ा हुआ लॉकेट नहीं देखा तुमने? हाँ। बिल्कुल तुम्हारे लॉकेट के जैसा है, उसी का दूसरा हिस्सा। हाँ, लॉकेट तो बिल्कुल ऐसी लगता है। लेकिन मेरी बहन कहाँ है? वेल, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। हाय, बताओ ना आनंद, प्लीज। बॉम्बे के किसी होटल में कैबरे डांसर है। कैबरे डांसर? हाँ। फिर तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। शाकाल का बम्बई में एक होटल है, वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो हम बॉम्बे आज ही रवाना होंगे। लेट्स गो। क्या चाहते हैं आप? तुम तकलीफ में हो,
तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। लेकिन क्यों? तुम्हारे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, यह तुम्हारी मुस्कुराहट के दाम है। Shut up! इतनी बुरी बात तो नहीं कही मैंने? तुम यहां से चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, यहां सब लोगों के कान मेरे नोटों ने बंद कर रखे हैं। चिल्लाओ। Don't touch me! मुझे हाथ लगाए तो अच्छा नहीं होगा। 1000, एक मुस्कुराहट की कीमत। दूसरा हिस्सा इसी तरह एक लॉकेट में महफूज है और वो लॉकेट आरती की बहन सपना के गले में है। शाकाल, अरे तुम लोग बॉम्बे में बगैर खबर किए हुए? आनंद ने सपना की तस्वीर ढूंढ ली है इस अखबार में और देखो इसके गले में बिल्कुल वैसा ही लॉकेट है। ये लड़की एक डांसर है और आजकल नौकरी की तलाश में बॉम्बे आई हुई है। हाँ। हाँ, जानता हूँ इसे, ये नौकरी के लिए मेरे ही होटल में आई थी। जगह खाली नहीं थी तो वापस चली गई। वापस चली गई? लेकिन कहाँ? ये तो मैं नहीं जानता, उसे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी तो लॉकेट वो किसी को होटल में बेच गई। बेच दिया है? घबराओ नहीं, उसे मैंने खरीद लिया है। वो मेरे पास है, अभी लाता हूं। लॉकेट मिल गया है, सपना भी एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी। विजय, मैं तुम्हें लॉकेट जरूर दूंगा लेकिन असली नहीं, नकली। असली मेरे पास रहेगा, तुम लोग तहखाने के अंधेरों में भटकते रहोगे। खजाने पर कब्जा मेरा होगा। यार अजीब इत्तेफाक है, सपना की तलाश में हम लोग बॉम्बे गए और सपना अपना लॉकेट शाकाल को बेचकर न जाने कहां चली गई। हाँ लेकिन सपना तो हमें एक दिन जरूर मिलेगी। यार लेकिन हमको एक बात की बहुत खुशी है कि हमारे पास खजाने का पूरा नक्शा है, अब हम खजाने को जरूर ढूंढ लेंगे। आओ। अरे आनंद यार, यार तू ऐसा कर, तू शाकाल के साथ आ जा। क्यों यार, मैं तो तुम्हारे साथ आ रहा हूं। अरे यार बात तो समझा कर। समझ गया, यानी कि तुम कबाब में से हड्डी को निकालना चाहते हो? अरे यार, अबे क्या? यार अरे, खुद तो हसीना के साथ गुलछर्रे उड़ाओगे और मुझे उस दड़ियल गेड़े के साथ जाने के लिए कह रहे हो?
देख लिया तुम लोगों को, जाओ मौज करो, हमारी किस्मत तो यही लिखा है। खुली सड़क पर प्यार करेंगे, प्यार का हम इजहार करेंगे, अगर देख कर लोग जलेंगे तो जलने दो, सिर्फ का ही प्यार का है इसको चलने दो, इसे चलने दो, इसे चलने दो, सिर्फ का ही प्यार का है इसको चलने दो। ओ, दिल से दिल जब मिले हमारे पर्दे में क्यों प्यार करें, क्यों छुप छुप के मिले यहाँ, क्यों ठंडी ठंडी आह भरे, दिल से दिल जब मिले हमारे पर्दे में क्यों प्यार करें, क्यों छुप छुप के मिले यहाँ, क्यों ठंडी ठंडी आह भरे, अपने भूल में चले जा रहे दुनिया से हम अनजाने, हमको फुर्सत कहाँ सुने दो लोगों के हम ये ताने, हर मुश्किल को पार करेंगे, हर मौसम गुलजार करेंगे, अगर देख कर लोग जलेंगे उनको जलने दो, सिर्फ का ये प्यार का है इसको चलने दो, इसे चलने दो, इसे चलने दो, सिर्फ का ये प्यार का है इसको चलने दो। ओ, अब हो कुछ भी हाथ तुम्हारा छोड़ेंगे ना हाथों से, दुनिया वाले लाख दबाए उंगली चाहे दांतों से, अब हो कुछ भी हाथ तुम्हारा छोड़ेंगे ना हाथों से, दुनिया वाले लाख दबाए उंगली चाहे दांतों से, तेरे खाते टकराएंगे देखो हम तूफानों से, खुशियों के हम फूल खिलाकर गुजरेंगे वीरानों से, हम न किसी से यार डरेंगे, जो करना है यार करेंगे, अगर देख कर लोग जलेंगे उनको जलने दो, सिर्फ का ये प्यार का है इसको चलने दो, इसे चलने दो, इसे चलने दो, सिर्फ का ये प्यार का है इसको चलने दो, इसको चलने दो, इसको चलने दो, इसको चलने दो। अरे भाई बात सुनना। क्या बात है बाबूजी? ये गंगापुर की काली पहाड़ी को कौन सा रास्ता जाता है? यहाँ से सीधे चले जाइए, एक नदी आएगी वहां से बाई मुड़ जाइए, बस काली पहाड़ी आ गई। अच्छा थैंक यू।
डार्लिंग, मैं तुम्हारा ऑमलेट बनाऊं या हाफ फ्राई? मेरा ऑमलेट बनाओगे? ठीक है, तुम नहाती रहो, हमें तो भूख लगी है। साले गुंडे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। कुछ भी तो नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्त, ये जख्म कल बढ़ भी सकता है, इसका इलाज जरूरी है। करीबी हमारे राम चाचा रहते हैं, आओ तुम्हारा इलाज करा देता हूं। लो बस, अब इस पर पानी मत पड़ने देना, दो ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शुक्रिया। लेकिन बेटा, गंगापुर की इस पहाड़ी के पास तुम्हें जाना कहाँ है? पुरानी हवेली में। ठाकुर रघुवीर सिंह की पुरानी हवेली? जी हाँ, आरती उन्हीं की तो बेटी है। लेकिन बेटा, इस हवेली के बारे में बड़ी अजीब अजीब कहानियां सुनी हैं गांव वालों से। बहुत अरसे से बंद पड़ी है ना। बाबा, पन्ना कहाँ गई, नजर ही नहीं आ रही। पन्ना, बेटी पन्ना। ओहो, मैं तो भूल ही गया, वो तो पछवाड़े में कपड़े सुखा रही है। ढूंढो ढूंढो साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला हो ढूंढो। हीरा छोड़ो ना, क्या कर रहे हो बाबा? छोड़ो हीरा, छोड़ो हीरा, क्या कर रहे हो? बाबा देख लेंगे। बाबा देख लेंगे, तुम यहाँ कपड़े सुखा रही हो और मैं वहाँ तुम्हारे इंतजार में सूख रहा था। मेरी जलेबी। बाबा, अरे इधर पन्ना, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ये मेरी बेटी पन्ना है। नमस्ते। इन दोनों की शादी अगले महीने हो रही है। अच्छा। हाँ बेटा हीरा, इन दोनों को हवेली तक तो छोड़ा। जी मैं जाऊं बाबा। अच्छा अच्छा, तू भी चली। बेटा हीरा, इसका ख्याल रखना। आप फिक्र न करें बाबा, आओ। और देखो तुम दोनों जल्दी लौट आना। अच्छा जी, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा। अच्छा जी, चलो। नमस्ते, नमस्ते। दोस्त, ये गाड़ी झटके क्यों लेने लगी? क्या हुआ बाबूजी? अभी तो अच्छी खासी चल रही थी, रुक क्यों गई? Damn it.
लगता है इंजन में कुछ खराबी हो गई। देखता हूं। ओ शिट, इंजन आग की तरह तप रहा है। यार हीरा, पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। खामोश जगह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है ताला जंग खा चुका है, खुलेगा नहीं। बड़ी हवेली और कितनी वीरान, लगता है परसों से किसी आदमी का साया तक नहीं पड़ा।
इस रुकी हुई घड़ी के साथ साथ यहाँ की हर चीज थम चुकी है। यार अगर इस हवेली में रहना जरूरी है तो उससे ज्यादा जरूरी है यहाँ की सफाई। यार घबराना नहीं, मैं कल ही गांव से कुछ आदमी ले आता हूँ, पूरी सफाई कर देंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे ये तो पत्थर का बना हुआ सर है। बुद्धू इस मूर्ति से टूट कर गिरा है। पगली कहीं की डर गई। अच्छा बाबूजी अब अच्छा। हम चलते हैं। चलो। ओके नमस्ते। मैं कल सुबह गांव वालों को लेकर आ जाऊंगा। ओके बाय। होंगे तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? विजय ये घड़ी बंद थी ना? हाँ। ये तो आप ही चलने लग गई। ये तो बंद है। विजय ये चल रही थी, मैं सच कह रही हूँ। विजय अब आरती तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। विजय तुम मेरी बात का यकीन करो, ये अभी चल रही थी। चलो चल के सो जाओ। चलो तुम्हें नींद में चलने की आदत है क्या? यार हीरा हवेली की सफाई का काम तो तूने वाकई बहुत आसान कर दिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे हमारा थैंक यू करो बाबूजी। हमने आपके रसोई का झगड़ा ही मिटा दिया। आपके लिए बढ़िया बावर्ची ढूंढ कर लाई हूँ। जबरदस्त। जबरदस्त नाम है उसका। ओह अच्छा। आओ आओ जबरदस्त। ये है जबरदस्त। मैं सिर्फ नाम का ही जबरदस्त नहीं, हर काम में जबरदस्त हूँ। मुर्गा पकाने में गांव में इसका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। अगर आप एक बार मेरे हाथ का बना हुआ मुर्गा खा लें तो एक महीने तक आपके पेट से यही आवाज आती रहेगी। और मेरा नाम बहना है। जबरदस्त की जबरदस्त बहन, हर काम में मेरा हाथ बटाता। बहना मेरा रसोई घर दिखा दो। चलिए थोड़ा ठीक से दिखाइए। बात यह
मुर्गा काटने से पहले मुर्गे की लंबाई चौड़ाई नापना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। लगता है आनंद और शाकाल भी आ गए। हाँ चल देखते हैं। मैं भी आया। हाय हाय आनंद। हाय हाय कैसे हो? हाँ भैया। हाय शाकाल। हाय नाइस प्लेस यार। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हुई थी, कोटा खत्म हो गया। रीना बेटी बाहर आके इनका सामान ले जाओ। अभी आई। अच्छी खासी बड़ी हवेली है यार। हाँ लेकिन काफी गंदी थी। मैंने गांव से कुछ लोगों को बुलवाया है, सफाई चल रही है। चला तेरे को दिखाता हूँ। चल बॉस, लौंडिया शायद आपकी दाढ़ी देखकर डर गई। बाबूजी, आपके नहाने के लिए गर्म पानी रख दिया है। ला 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 ला। तैयारी गैया, आपने तो पूरे जंगल का मैदान ही बना दिया। तुझे मैदान पसंद है ना? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा मैदान, मुझे क्या लेने देना। बात लेने देने की तो हो रही है मेरी जान, मैंने सब कुछ तेरे लिए तो किया है। भैया भैया बचाओ। क्या हुआ क्या हुआ? जबरदस्त की बहन के साथ जबरदस्ती? अबे चल दफा हो यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे। चल। अबे ओ शुतुरमुर्ग, अगर मुझे गुस्सा आ गया तेरे गुर्दे कपूरे काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। क्यों? चल ठीक है। भैया भैया ये क्या हो गया? भैया 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 अरे अरे भैया ये क्या हो गया? भैया 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 तुम ठीक तो हो? ठीक। ये पतीला कौन लाया? मैं इसके बाप का पतीला फाड़ दूंगा। जबरदस्त। लीजिए चने की दाल, चिंच पोकली से आई है। अच्छा, अच्छा? मैंने इसे सफोला में तैयार किया है। ये जबरदस्त की जबरदस्त दाल। लीजिए तंदुरुस्तान से आई हुई तंदूरी रोटियां, तंदुरुस्ती बनाने के लिए। आपकी भी तंदुरुस्ती बहुत खराब है, लीजिए। नहीं लीजिए। लगता है जबरदस्त का मूड जबरदस्त जख्मी है आज। मेरे जख्मों में उंगली मत करो ऐ जमाने वालों। ये जख्म नहीं, दहकते हुए अंगारे हैं, सिंगारे हैं, शोले हैं, आग के गोले हैं। चलो ये तो अच्छा हुआ कि नक्शा हमने कागज पे उतार लिया। अच्छा तुम लोग जरा गौर से सुनो, लॉकेट से बनाए गए इस नक्शे के मुताबिक तहखाने में छुपे हुए खजाने का रास्ता इस बीच वाली गुफा से 10 मिनट के फासले पर पूरब की जानिब होना चाहिए। हम यहां से शुरुआत करेंगे। इस तरफ। आगे जाने का तो रास्ता ही बंद है। लेकिन नक्शे के मुताबिक तो तहखाने का रास्ता इसी दीवार के पीछे होना चाहिए। जल्दी तोड़ो नहीं तो मुझे तोड़ना पड़ेगा।
शक्ल है। लगता है किसी जमाने में यहाँ शैतान की पूजा हुआ करती थी। वो तो इस मुर्दे की सेहत बता रही है। अबे उस साले, ये पत्थर का है। बड़ी अजीब सी जगह है। विजय तुम उस गुफा में देखो, मैं इस तरफ देखता हूं। अच्छा उन कुत्तों को गलत रास्ते पे चलने दो, सही नक्शा मेरे पास है, मेरे साथ आओ। बड़ी अजीब सी जगह है। इस नक्शे के मुताबिक खजाना किसी त्रिशूल वाले निशान के पीछे होना चाहिए। तुम इधर जाओ इधर, और मैं उधर जाता हूं। संजीवा की आवाज है। संजीवा ये खून कैसा? Yeah!
ना ये कोई चाल है ना माया जाल है। जबरदस्त का ये ख्याल है कि कल्लू को मारने वाला जरूर कोई घाट के ऊपर का धोबी है। धोबी? हाँ धोबी। तभी तो उसने उसकी लाश को दीवार पर सूखने के लिए लटका दिया था। अबे ओ सुस्त घोड़े की औलाद, हाथ चला। और ये सिर्फ एक हादसा है, हादसा। हादसा? ये हादसा नहीं, साजिश है। किसी ने कल्लू को मारा है, वरना उसकी लाश इस तरह खून से लथपथ दीवार पर टंगी हुई कैसे मिलती? हाँ, लेकिन कौन मार सकता है उसे? बाबूजी, आप लोग बड़े खामोश खामोश लगते हैं। लगता है कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है। क्या हुआ विजय? अरे नहीं भाई, उल्टा इस खजाने की तलाश में काली गुफा के तहखाने में हमारे दो आदमी मारे गए। हमारी एक बात मानो बाबूजी, ये तहखाना काली गुफा सब भूल भुलैया है धरती माँ की। इन्हें खोजने वाला कई बार खुद खो जाता है। हाँ तुम ठीक कहती हो पन्ना, हम सचमुच खो गए हैं। अब आप ज्यादा सोचना छोड़िए, उठिए और हमारे साथ चलिए गांव में, वहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आज शंकर का त्योहार है और गांव वालों ने नाच गाने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा चल आरती चलते हैं, वहाँ जाने से एक तुझे चेंज भी मिल जाएगी और मूड भी ठीक हो जाएगा। अरे मूड तो इसका ऐसे भी ठीक हो जाएगा जब भंग का एक ग्लास इसके पेट में चला जाएगा। ओम शिव ओम, ओ जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, ओ जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर। ओ बटाना बड़ा, ये भांग घोट रहा है या योगा कर रहा है? ये आपके लिए जबरदस्त भांग घोट रहा हूँ, लीजिए आप। दीजिए, जय भोलेनाथ श्री लंबूनाथ जी, लीजिए शंकर का एलबी प्रसाद। एलबी प्रसाद? मेरा मतलब है शंभु लिंगम का प्रसाद। लीजिए जिम्बो के भाई रैम्बो, आप भी पीजिए मैंगो, इसके पीने से आपकी सारी नसें फूल जाएंगी। जबरदस्त। हाँ। एक और जबरदस्त काम करो, किसी भी तरह इन दोनों लड़कियों को एक एक ग्लास चढ़ा दो। चढ़ा देंगे चढ़ा देंगे। अबे ओ कद्दू, जरा मुझे भी देना मौसमी का रस, जल्दी करो। लीजिए गन्ने का रस। Oh,
मजा आ गया भाई। ये तो अच्छा हुआ कि आज जबरदस्त ने छुट्टी ले ली, वरना पन्ना के हाथ का खाना हमें नसीब ना होता। अरे हम भी तो इसी खाने पर मर मिटे थे। अच्छा? चुपचाप खाना खाओ। ये अचानक बत्ती कैसे चली गई? यहाँ तो कुछ भी बिन बताए चला जाता है। मुझे तो ये हवेली भूत हवेली दिखाई देती है। तुम्हें तो हर जगह भूत ही भूत नजर आते हैं। मैं कहती हूँ खजाने वजाने का चक्कर छोड़ो और चलो यहाँ से वापस चलें। अच्छा मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। अरे संभल के जाना। यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसी बिल्ली ने पंजा मारा होगा, वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। अरे तुम्हें हर बात वहम नजर आती है। हमारे दो आदमी खौफनाक मौत मारे गए और तुमने उसे हादसा बना दिया। उस रात मैंने बंद घड़ी चलती हुई देखी, तुमने उसे सपना बना दिया और अब इसे वहम कह रहे हो। आरती विजय मेरी बात का यकीन करो, इस हवेली में जरूर कुछ है। कुछ नहीं आरती, तुम लोग बेकार में डर गई हो। चलो पन्नी, चलो चल के सो जाओ। उड़कर कहां जाएगी चिड़िया, तेरे पर तो मैंने नोच लिए हैं। अबे गेंडे, इतना मारूंगा कि तेरी मां भी तेरी शक्ल नहीं पहचानेगी। ए हरामजादे, तेरी ये मजाल कि तू मुझ पर हाथ उठाए, टुकड़े कर फेंक दूंगा समझे। टुकड़े तो मैं तेरे कर दूंगा। ये क्या हो रहा है शकल, कहीं पागल तो नहीं हो गए? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं इसे जान से मार डालूंगा। आखिर हुआ क्या? छोड़ विजय,
इसने रीना पर बुरी नजर डाली है, मैं तो तंत्र मार डालूंगा। तेरी तुम्हें शर्म आनी चाहिए शाकाल, शराब के नशे में तुम इतने गिर सकते हो, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी मनहूस सूरत लेके इस हवेली में दाखिल मत होना। और आइंदा अगर तुमने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल डालूंगा। ठीक है रामजादो, मैं तुम दोनों को देख लूंगा, तुझे भी। अच्छा हुआ ये केकड़ा यहां से चला गया, अब कोई मुझे उंगली नहीं करेगा। उस्ताद ये बन्ना है अपने राम चाचा की बेटी। शादी हो गई तुम्हारी? शराफत से मेरा रास्ता छोड़ दो। शराफत छोड़ देंगे, रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हरामजादे तेरी ये हिम्मत, हिम्मत दिखाने का मौका तो तूने दिया ही नहीं बुड्ढे, कबाब में हड्डी बनकर आ गया। कहीं हीरा ने ये बातें सुन ली तो तेरी जबान खींच लेगा। मैं रात को अड्डे पे शराब पी रहा हूँ, हीरा को भेज देना, पत्थर बनाकर वापस भेज दूंगा। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी। नाचो, नाच बे। काली घटा है मत पता है, जा मोटा कर झूम 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 बराबर झूम जरा भी झूम बराबर झूम बराबर झूम जरा भी झूम बराबर। हड्डी चबाले कुत्ते आखिरी है। We'll be right back.
लगता है अब नक्शा पूरा हो गया। हाँ, इसका मतलब है शाकाल ने हमें नकली नक्शा दिया था। धोखेबाज, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था वो इतना कमीना आदमी निकलेगा। मुझे तो पहले से शक हो गया था, अगर वो लॉकेट असली होता तो हम लोग यहाँ इस तरह क्यों भटकते, हमारे आदमी क्यों मारे जाते। खैर, अब वो खजाना ढूंढना हमारे लिए मुश्किल ना होगा। मेरे होते हुए कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन जब खजाना मिल जाए थोड़ा सा चिल्लर मुझे भी दे देना। जरूर। उस्ताद, असली लॉकेट तो वो हरामजादे ले उड़े, अगर दोनों लॉकेट मिलाकर त्रिशूल वाले निशान पर उनकी नजर पड़ गई तो खजाने के मालिक वो कुत्ते बन जाएंगे। नहीं राणा, शाकाल काल का दूसरा नाम है, वो लॉकेट आज ही रात को मेरी मुट्ठी में होगा। चिल्लाना मत, वरना तुझे भी तेरी बहन की तरह मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे बगैर नक्शे के मिल गया, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अगर तू बच गई तो यह राज सबको पता चल जाएगा।
क्या है तहखाने में? तुम वहां कैसे गई? मैं कमरे में सो रही थी, शकल वहां आया था, वो मुझे जान से मारने वाला था, मैं जान बचाकर वहां से भाग गई। मैं तहखाने में पहुंची, मैंने वहां छुपा हुआ खजाना भी देखा, शकल उसे लेने वाला था, लेकिन लेकिन हुआ क्या? उसने शकल को मार डाला। किसने मारा? एक जिंदा लाश, बहुत ही भयानक है वो, बहुत ही खौफनाक है वो हम सबको मार डालेगा। इस हवेली को फौरन छोड़ चलो, यहाँ से फौरन वापस लौट चलो प्लीज। डरो मत आरती, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी और तुम लोग भी वहां मत जाओ। घबराओ नहीं आरती, मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो विजय चलो। नहीं आरती, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, चलो आना। मैंने ऐसे शैतान बहुत देखे हैं। ये क्या? नहीं नहीं, वहां मत जाओ विजय, रोको प्लीज विजय। Thank you.
मुझे बता। वो शैतान, उफ, बहुत भयानक है वो। कौन? हमने हमने अंदर गुफा में उस शैतान को देखा, बहुत भयानक है वो। उसने उसने शकल को मार डाला। क्या? हाँ, और मानव की जान खतरे में, हम लोगों को बचाते हुए आनंद खुद गुफा में फंस गया है। आओ चलो। है वो शैतान गांव की तरफ चला गया। गांव वालों, इसमें कोई शक नहीं कि शैतान के गुफा के बाहर आने के बाद पूरा गांव मौत के लपेट में आ चुका है। फिर भी आप हिम्मत ना हारे, हम इस खौफनाक मौत का डटकर मुकाबला करेंगे, हम इस शैतान को ढूंढ निकालेंगे। चलो, चलो। राम चाचा, इतनी रात गए कौन हो सकता है? बेटी जरा देखो तो। हाँ बाबा। विजय बाबू, आप लोग इस वक्त यहां क्या बात है? शाकाल और मेरा अजीज दोस्त आनंद दोनों मारे गए हैं। मारे गए? ये क्या कह रहे हैं आप? वो तहखाना मौत का घर है, वहां एक खौफनाक शैतानी बला है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है, उसी ने सबको मारा है। वो शैतान तहखाने की दीवारों से बाहर आ चुका है। क्या? हाँ, हम आपसे सिर्फ इतना कहने आए थे कि आप और पन्ना बाहर मत जाइएगा। हम गांव वालों के साथ उस शैतान की तलाश में जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। चल विजय। चलो। बाबा, दूध पी लो। हाँ हाँ, लाओ। बाबा, ये कैसी आवाज है? ठहरो बेटी, मैं देखता हूं। कौन कौन है? बाबा,
बाबा 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 पन्ना की आवाज है। पन्ना क्या हो गया पन्ना, ये क्या हो गया? बाबू, यह धरती अब किसी और बेगुनाह के खून से नहीं रंगेगी। कसम इस दुर्गा मां की, मैं उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
रसिया फेंको, फेंको रसिया। Thank you.
अच्छा दोस्त, चलते हैं। अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। हीरा, अपना ख्याल रखना। बाय। We'll be right back.